अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर डॉक्टर बुरहान ज़मीर एंड वी आर इन आवर सेवंथ लेक्चर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। दिस इज़ अ न्यू एंड डिफरेंट टॉपिक एंड अ न्यू चैप्टर इन योर बुक। इससे पहले हम लग्रांज इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं और डायनामिकल सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए लग्रांज इक्वेशंस को यूज़ करना भी सीख चुके हैं। आपको याद है कि लग्रांज इक्वेशंस हमने डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से डिराइव की थी। डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज़ अ डिफरेंशियल प्रिंसिपल एंड अ स्टैटिक प्रिंसिपल। इसमें आपको याद है कि हमने वर्चुअल वर्क और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को लेकर लग्रांज इक्वेशंस को डिराइव किया था। ये जो मेथड है, ये लग्रांज इक्वेशंस की डेरिवेशन है फ्रॉम स्टैटिक प्रिंसिपल। तो नेचर में एक और प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन लग्रांज इक्वेशंस फ्रॉम अ प्रिंसिपल दैट कंसिडर्स द एंटायर मोशन ऑफ द सिस्टम बिटवीन एनी टाइम, लेट्स से T1 टू T2, एंड स्मॉल वर्चुअल वेरिएशंस ऑफ दिस मोशन फ्रॉम द एक्चुअल मोशन। इस तरह का प्रिंसिपल जिसमें हम पूरी मोशन को भी कंसिडर कर सकते हैं और मोशन का एक स्मॉल पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, ये एक डायनामिकल प्रिंसिपल होगा। और इस डायनामिकल प्रिंसिपल को हम इंटेग्रल प्रिंसिपल कहते हैं। ये इंटेग्रल प्रिंसिपल हम समझेंगे इस चैप्टर में, इसको डिराइव करेंगे और इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन यानी लग्रांज इक्वेशंस को रीडिराइव करेंगे। फर्दर हम इस चैप्टर में इसी प्रिंसिपल इंटेग्रल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हैमिल्टन इक्वेशंस को भी डिराइव करेंगे और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। तो इस लिहाज से हमें पहले इंटेग्रल प्रिंसिपल को समझना है, डिराइव करना है, लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को। ये एक डायनामिकल मेथड है। तो हम इंटेग्रल प्रिंसिपल को डिराइव करने से पहले मैथमेटिकली कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस को समझते हैं कि ये मेथड कैसे हमें लीड करेगा इंटेग्रल प्रिंसिपल की तरफ। लेट अस स्टडी प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, X1, Y1 विच इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड X2, Y2 विच इज़ द फाइनल पॉइंट। इन दो पॉइंट्स में अगर हम पाथ्स कंसिडर करें तो देर आर सो मैनी पाथ्स और इनफाइनाइट पाथ्स। तो जैसे डायग्राम में आपको दो पाथ्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इफ़ वी कंसिडर एनी टाइप ऑफ मोशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, देर मे बी इनफाइनाइट पाथ्स। तो हम इस प्रॉब्लम में क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि यहाँ किसी भी पाथ के अलोंग जो फंक्शन है, लेट्स से दिस फंक्शन इज़ एफ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, वाई डॉट एंड एक्स, जस्ट लाइक लग्रांज फंक्शन वी ऑलरेडी स्टडीड। तो इस तरह का जो फंक्शन है, आप देख रहे हैं एक्स जो है वो टाइम की जगह है। लग्रांज फंक्शन में एक्स की जगह टाइम था, वाई की जगह क्यू आई कोऑर्डिनेट से, और क्यू आई डॉट जो है उसकी जगह यहाँ आपको वाई डॉट नज़र आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है, दिस इज़ जस्ट लाइक लग्रांज फंक्शन। एक्चुअली हम प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस में मैथमेटिकली इसको प्रिंसिपल को पहले समझेंगे। मैथमेटिकली समझने के बाद फिर इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी लग्रांज मैकेनिक्स पे, यानी लग्रांज फंक्शन पर। तो इस वजह से हमने इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिया है, क्योंकि हम इसको प्योर मैथमेटिकली अभी ट्रीट करना चाहते हैं। तो हमारे पास इस तरह का जो फंक्शन है, अलोंग एनी पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इस तरह का जो फंक्शन है उसका इंटेग्रल, ये इंटेग्रल जो आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का जो इंटेग्रल है, दिस इंटेग्रल मस्ट हैव स्टेशनरी वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ रिलेटिव टू पाथ्स डिफरिंग इनफाइनाइटेसिमली फ्रॉम द करेक्ट फंक्शन वाई ऑफ एक्स। अब यहाँ हमने जो करेक्ट फंक्शन है वो किस फंक्शन को कहना है?
करेक्ट फंक्शन वो फंक्शन होगा, यानी वाई ऑफ एक्स कर्व को डिफाइन कर रहा है ना इस प्लेन में, तो वाई ऑफ एक्स वो करेक्ट फंक्शन होगा जिसके अलोंग ये जो आपका जो इंटेग्रल है ये स्टेशनरी वैल्यूज़ देगा आपको। स्टेशनरी वैल्यू का मतलब है कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू, मिनिमा और मैक्सिमा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम में इस इंटेग्रल की जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो वो जिस पाथ के अलोंग होगी उसको हम करेक्ट पाथ कह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि दिस इंटेग्रल वी हैव टू फाइंड सच कंडीशन इन विच दिस इंटेग्रल हैज़ ए स्टेशनरी वैल्यू रिलेटिव टू पाथ्स डिफरिंग इनफाइनाइट एसिमली फ्रॉम द करेक्ट पाथ वाई ऑफ एक्स, यानी जो हमारा जो करेक्ट पाथ है जिसके अलोंग ये इंटेग्रल आपका मिनिमा देगा, उस करेक्ट पाथ के अलोंग हमें वो करेक्ट पाथ हमें फाइंड करना है। तो द वेरिएबल एक्स हेयर प्लेज द रोल ऑफ द पैरामीटर टाइम टी एंड वी कंसिडर ओनली सच वेरिड पाथ्स फॉर विच वाई एट एक्स वन इज़ वाई वन, वाई एट एक्स टू इज़ वाई टू आर द फिक्स पॉइंट्स। वी मे हैव मैनी पाथ्स सिंस अवर इंटेग्रल जे मस्ट हैव अ स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू का मतलब है कि जो हमारी फिक्स वैल्यू है मिनिमा या मैक्सिमा। सिंस जे मस्ट हैव अ स्टेशनरी वैल्यू फॉर द करेक्ट पाथ, करेक्ट पाथ का मतलब आपको बता दिया, यानी वो पाथ जिसके अलोंग वो स्टेशनरी वैल्यू होगी रिलेटिव टू एनी नेबरिंग पाथ, द वेरिएशन मस्ट बी ज़ीरो रिलेटिव टू सम पर्टिकुलर सेट ऑफ नेबरिंग पाथ्स लेबल्ड बाई एन इनफाइनाइटेसिमल पैरामीटर अल्फ़ा। अब आप देखें ये इक्वेशन टू को देखिए, इस इक्वेशन में ये वाई जो है ये हमारा कोई भी पाथ हो सकता है, एनी पाथ वाई ऑफ एक्स एंड अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा को समझने के लिए आप देखें कि ये जो कोई भी पाथ है दिस इज़ इक्वल टू अ करेक्ट पाथ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो जिस अल्फ़ा ज़ीरो। अब आप देखें अल्फ़ा जो है ना वो एक ऐसा पैरामीटर है जो पाथ में वेरिएशन दे रहा है आपको, यानी अगर अल्फ़ा को ज़ीरो रख दिया जाए तो पाथ में कोई वेरिएशन नहीं होगी और हमें वो करेक्ट पाथ मिल जाएगा जिसके अलोंग हमारा जो इंटेग्रल है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ दे सकता है। तो यहाँ इस वजह से अल्फ़ा ज़ीरो रखा है क्योंकि ये हमारा करेक्ट पाथ है, प्लस अल्फ़ा इनटू सम आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप देखें यहाँ अल्फ़ा अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो हमारे जो ये इनफाइनाइट पाथ्स मैंने यहाँ शो किए हुए हैं विच डिपेंड्स अपॉन अल्फ़ा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा करेक्ट पाथ के। तो इसका मतलब है कि करेक्ट पाथ में जो वेरिएशन है वो ये अल्फ़ा के थ्रू ये आर्बिट्रेरी फंक्शन हमें दे रहा है। तो ये आर्बिट्रेरी फंक्शन वैल्यूज़ लेता रहेगा और वो वैल्यूज़ जो भी ये लेगा वो जब इस फंक्शन में ऐड होगी तो फिर हमें डिफरेंट पाथ्स मिलते रहेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x अल्फ़ा की शक्ल में। लेकिन जब भी ये अल्फ़ा ज़ीरो होगा तो फिर ये फंक्शन सारा ज़ीरो हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, करेक्ट पाथ। तो हमने ये वेरिएशन ख़ुद से ली है, यही वेरिएशनल प्रिंसिपल का जो मेन इक्वेशन है वो यही इक्वेशन है, इक्वेशन टू, जिस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि हमने ख़ुद से एक वेरिएशन ली है जो हमारे करेक्ट पाथ के साथ एसोसिएटेड है विद एन आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर फॉर सिंपलिसिटी इट इज़ अज्यूम दैट बोथ द करेक्ट पाथ वाई ऑफ एक्स एंड द ऑक्सिलरी फंक्शन ईटा ऑफ एक्स आर वेल बिहेव्ड फंक्शंस कंटिन्यूस एंड नॉन सिंगुलर बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू विद कंटिन्यूस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिवस इन द सेम इंटरवल विच वी कंसिडर्ड। फॉर एनी सच पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स, जो ये आप देख रहे हैं दिस इज़ द फैमिली ऑफ कर्व्स, द इंटेग्रल इन इक्वेशन वन इज़ आल्सो ए फंक्शन ऑफ अल्फ़ा। तो हम इंटेग्रल जो हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था इक्वेशन वन में उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन वाज अ फंक्शन ऑफ वाई वाई डॉट एंड एक्स, तो y जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x अल्फ़ा हो गया, y डॉट भी फंक्शन ऑफ x अल्फ़ा हो गया एंड x, तो ये हमारा इंटेग्रल बन गया इस वेरिएशन के साथ जो हमने इक्वेशन टू में कंसिडर की है। अब मिनिमा फाइंड करने के लिए हम फेमस जो कंडीशन है टू फाइंड द मिनिमा वो हम ले रहे हैं,
आपको पता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम ये कंडीशन लेते हैं दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट वेरिएबल इज इक्वल टू ज़ीरो इज ज़ीरो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा फंक्शन तो इंटेग्रल की फॉर्म में है जे, और हमारा वेरिएबल जो है वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर ये डेरिवेटिव ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशंस आएंगी। अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा कि हम मिनिमा लेना चाहते हैं उस इंटेग्रल का, एक्सट्रीमम जो है ना वो इनफाइनाइट होगा, इस वजह से वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो फॉर मिनिमा हमारे पास ये कंडीशन जो है ना इसको हमें सेटिस्फाई करवाना है, तो फिर हमें मिनिमा की कंडीशन मिल जाएगी कि हमारा इंटेग्रल किस कंडीशन में मिनिमम होगा। तो आइए हम जे इंटेग्रल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। उससे पहले आप देखें डी जे ओवर डी अल्फ़ा क्या होगा, कि डी ओवर डी अल्फ़ा लेंगे हम जे का, तो वो जब इंटेग्रल के अंदर जाएगा तो वो फंक्शन एफ़ के ऊपर अप्लाई होगा। आपको पता है फंक्शन एफ़ जो है ना वो वाई और वाई डॉट का फंक्शन है, वाई और वाई डॉट ऑलरेडी एक्स के भी फंक्शन है, तो इस वजह से वेरिएशन वाई और वाई डॉट में ही लेंगे। तो आप देखें पार्शल एफ़ ओवर पार्शल वाई यानी वाई के विद रिस्पेक्ट, और फिर पार्शल वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा इस डी ओवर डी अल्फ़ा की जगह। आप डी ओवर डी अल्फ़ा भी लिख सकते हैं यहाँ, बेसिकली ये बुक में पार्शल ओवर पार्शल अल्फ़ा है, लेकिन आप डी ओवर डी अल्फ़ा भी लिख लें वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो इसी तरह से चूँकि ये एफ़ इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई डॉट भी है, तो फिर पार्शल एफ़ ओवर पार्शल वाई डॉट और पार्शल वाई डॉट ओवर पार्शल अल्फ़ा या डी ओवर डी अल्फ़ा यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमने डी जे ओवर डी अल्फ़ा की वैल्यू लिख ली। अब इसमें कंसिडर करें ये सेकेंड टर्म को, पहले मैं इवेल्यूएट करना चाहता हूँ सेकेंड इंटेग्रल को। ये इंटेग्रल दो हैं, एक ये फर्स्ट टर्म पर है और एक सेकेंड टर्म पर है, तो सेकेंड टर्म का इंटेग्रल हम ले लेते हैं। कंसिडर द सेकेंड ऑफ द दीज इंटेग्रल्स। तो ये हमारे पास इंटेग्रल है। अब इसमें y डॉट की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, y डॉट हमने फर्स्ट स्लाइड पे लिखा था डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये जो आपका पार्शल y ओवर पार्शल x, तो ये जो आपका बनेगा इट विल बी पार्शल टू वाई ओवर पार्शल x पार्शल अल्फ़ा। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, तो ये इंटेग्रल जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बाय पार्ट्स मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो चूंकि डी एक्स के ऊपर इंटेग्रल है आपका, तो ये जो सेकंड टर्म है इसका डेरिवेटिव इसका इंटेग्रल होगा। तो इसका इंटेग्रल क्या होगा एक्स के विद रिस्पेक्ट जब आप लेंगे, तो ये डी ओवर डी एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा पार्शल वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा, और ये फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज़ आ जाएगा माइनस इंटेग्रल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन यानी कि पार्शल वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। नाउ अब ये जो हमने सेकंड इंटेग्रल फाइंड किया है लास्ट स्लाइड में, इसको हम वहाँ पुट करते हैं जहाँ से ये हमने लिया था, यानी कि आपका जो डी जे ओवर डी अल्फ़ा है उसमें मैंने पुट कर दिया इसको, और साथ ही साथ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी ले लिया, यानी अल्फ़ा ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है ये अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो डी जे ओवर डी अल्फ़ा एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपने कंडीशन ली थी एक्सट्रीमा की कि वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, तो ये हमने उस कंडीशन में भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गई कंडीशन डी जे ओवर डी अल्फ़ा एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस कंडीशन में हमने इसको पुट कर दिया। अब फर्दर आप देखिए कि इसमें पार्शल वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो क्या है, यानी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब आप इस वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा बोथ साइड्स पे, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारा फिक्स पाथ है जो हमारा करेक्ट पाथ है, चूँकि ये फिक्स है कॉन्स्टेंट है, ये ज़ीरो हो गया कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा है ये, तो अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट कॉन्स्टेंट होने की वजह से ये जो है ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आपका वन हो जाएगा। तो आपका सिर्फ ये फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन रह जाएगा ईटा ऑफ एक्स। तो आपका डी वाई ओवर डी अल्फ़ा या पार्शल वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा जो है दिस इज़ इक्वल टू ओनली ईटा ऑफ एक्स, आपका ऑक्सिलरी फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो ये हम यहाँ ले रहे हैं पार्शल वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू ईटा ऑफ एक्स। तो ये जो इक्वेशन सेवन है ये क्या बन जाएगी, ये एज इट इज़ आ जाएगी, सिर्फ ये ईटा ऑफ एक्स आ गया आपके पास।
इस ब्रैकेट की जगह। अब चूंकि ये आपका जो ऑक्सिलरी फंक्शन है ये एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो अगर पूरा इंटीग्रल जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है वो ज़ीरो के इक्वल हो, तो फिर जो जिस फंक्शन का वो इंटीग्रल होता है वो फंक्शन भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो या तो ये ब्रैकेट ज़ीरो होगी या ये ईटा ऑफ एक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि ईटा ऑफ एक्स एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, दिस मे और मे नॉट बी ज़ीरो, तो इस वजह से ये जो ब्रैकेट्स है ये ज़ीरो के इक्वल हम लेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के इनसाइड जो फंक्शन है इसको हम ज़ीरो के इक्वल ले लेते हैं। तो ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन पर हमें जो इंटीग्रल था वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो इस कंडीशन को हम आयलर्स कंडीशन कहते हैं, और ये कंडीशन जो है ये बड़ी यूज़फुल है टू फाइंड एनी एक्सट्रीम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फॉर द इंटीग्रल ऑफ टाइप इन इक्वेशन नंबर वन। जो जिस टाइप का इंटीग्रल हमने इक्वेशन वन में लिया था उस टाइप के इंटीग्रल को मिनिमाइज करने के लिए ये कंडीशन हम यूज़ करते हैं। यानी इसमें हम उस तरह का इंटीग्रल जो है वो लेंगे, उसका जो फंक्शन होगा उस इंटीग्रल के अंदर उस फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम उस फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कंडीशन हमें मिनिमा देगी किसी भी इंटीग्रल का जो इक्वेशन वन की टाइप का होगा। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे अब। तो आप फर्दर ये भी देखिए कि ये जो इक्वेशन है दिस इज़ जस्ट लाइक लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप x को टाइम से रिप्लेस कर दें और f को लग्रांज फंक्शन से रिप्लेस कर दें, आपको याद होगा फर्स्ट स्लाइड में हमने f जो है वो लग्रांज की टाइप का लिया था, तो इससे रिप्लेस कर दें और y को आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दें, तो फिर यही आयलर्स कंडीशन जो है वो लग्रांज इक्वेशन बन जाती है। तो इसी वजह से हम लग्रांज इक्वेशंस को अक्सर लग्रांज आयलर इक्वेशन भी कहते हैं। तो आइए अब हम इस आयलर्स कंडीशन को यूज़ करते हैं टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स और डिफरेंट पैरामीटर्स। अब हम आयलर इक्वेशन को यूज़ करना सीखेंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है वेरिएशनल प्रिंसिपल की, इसमें आप स्टेप्स भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम इंटीग्रल्स लेते हैं और फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए किस तरह से आयलर इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी पहली प्रॉब्लम है, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब आपको मालूम है कि एक प्लेन में दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी वो जो पाथ होगा दो पॉइंट्स के दरमियान वो मिनिमम पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ द स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हमें ऑलरेडी हमें मालूम है, लेकिन हम इस मेथड को यूज़ करके यही पाथ फाइंड करेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो आपको पता है कि प्लेन में जो एक एलिमेंट होता है लेंथ एलिमेंट, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, डी एस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियर पॉइंट्स। जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस होता है आपका स्मॉल डिस्टेंस, उसको आप डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट लिखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इस स्मॉल डिस्टेंस को इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वन एंड टू। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो इस इंटीग्रल से फाइंड होगा, द इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू ऑफ द इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस डी एस। तो डी एस की वैल्यू यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करें, ये आ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ डी एक्स स्क्वेयर को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया स्क्वेयर रूट से बाहर, ये ताकि यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स बन जाए। तो ये हमारा इंटीग्रल बन गया, यानी कि ये हमारा दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इस इंटीग्रल से हमें मिल सकता है। अब आप देखिए कि हम इस इंटीग्रल को अपने इस इंटीग्रल से कंपेयर करते हैं जो हमने ऑलरेडी मेथड के अंदर यूज़ किया था। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखें ये डी एक्स के साथ जो फंक्शन एफ है वो यहाँ क्या है, वो यहाँ ये स्क्वेयर रूट की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ हमारा जो फंक्शन f है वो क्या बन गया, दिस फंक्शन f इज़ इक्वल टू द स्क्वेयर रूट, ये सारा स्क्वेयर रूट आ गया आपके पास। dy वाई ओवर डी एक्स को हमने y डॉट लिख लिया, तो ये आपका जो फंक्शन है ये आपके पास आ गया जो आप यूज़ कर सकते हैं आयलर कंडीशन में। ये आपकी आयलर कंडीशन है, इसमें आप f जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ और यहाँ। तो आइए इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए
आयलर कंडीशन, ये आयलर कंडीशन लिखी हुई है। इसका जो पहला पहली टर्म है पार्शियल एफ़ ओवर पार्शियल वाई, जब हम निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगी, एफ जो हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में फाइंड किया हुआ है। इसी तरह से पार्शियल एफ़ ओवर पार्शियल वाई डॉट जब हम फाइंड करेंगे तो वो ये आएगा फंक्शन। तो अब ये दो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं आयलर कंडीशन में, तो पार्शियल एफ़ ओवर पार्शियल वाई तो हमारा ज़ीरो हो गया। ये जो पार्शियल एफ़ ओवर पार्शियल वाई डॉट है वो यहाँ से आप ले लें, ये आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव भी है ऑलरेडी, ये डेरिवेटिव है। तो दिस होल डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट्स में जो टर्म है दिस इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ज़ीरो है तो वो कॉन्स्टेंट होगी। तो यहाँ सी कॉन्स्टेंट है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करेंगे, ये टर्म उस तरफ चली गई, और इसको हम y के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले हम y डॉट को लेंगे। ये y डॉट आ गया, ये कांस्टेंट है सारा आपके सामने। तो y डॉट चूँकि ये है तो y क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा, तो यानी कि y डॉट इज़ dy वाई ओवर dx, तो फिर dy इस तरफ रहेगा, dx उधर ले जाएंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ चूँकि ये सारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रल जो है वो dx का वो x बन जाएगा, प्लस हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। तो यहाँ ये जो सारा कांस्टेंट है इसको हम a कह देते हैं, ये a हो गया, तो ये ए एक्स प्लस बी आ गया। तो आपको पता है y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पहले से भी मालूम था लेकिन हमने ये इस मेथड को यूज़ करके फाइंड किया। वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज़ करने की ये दूसरी एग्ज़ाम्पल है। इस सेकंड एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए आप देखिए कि ये हमारे पास एक एक्सिस का सिस्टम है एक्स वाई जी। इसमें आप ये डायग्राम को अभी ना देखिए, आप देखें कि ये दो पॉइंट्स हैं एक्स वन वाई वन टू एक्स टू वाई टू, इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक कर्व डिफाइन हुई हुई है, दिस इज़ अ कर्व बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये जो कर्व है, अगर इस कर्व को मैं रोटेट कर दूँ अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो इस कर्व, ये पूरी कर्व जो है वो रोटेट होते हुए एक एरिया स्वीप करेगी। जो एरिया ये स्वीप करेगी उस एरिया को हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ये कैसी कर्व हो कि जब इसको रोटेट करें, यानी फिक्स पॉइंट यही रहेंगे एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, लेकिन कर्व की शेप कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आपको इस प्रिंसिपल में आपने समझा है कि आपके पास जो दो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। तो ये जो पाथ है ये हमने कोई एक पाथ लिया है वैसे रेंडमली, आपके पास ये कोई भी किसी भी शेप का पाथ हो सकता है, ये कर्व किसी भी शेप की हो सकती है। तो अगर आप इस कर्व को रोटेट करते हैं तो एक एरिया आपके पास आ रहा है, आप इसको स्वीप करते हैं तो एक एरिया आपके पास आएगा, और ये जो एरिया है ये एरिया कब मिनिमम होगा, यानी ये कर्व जो इनफाइनाइट कर्व्स हम बना सकते हैं उनमें से कौन सी कर्व ऐसी लें या कौन सा पाथ ऐसा लें जिसको रोटेट करने से जो एरिया आएगा आपके पास वो एरिया मिनिमम हो। तो मिनिमाइज़ क्या करना है आपने, मिनिमाइज़ करना है आपने एरिया को। तो जब आप उसको मिनिमाइज़ करेंगे तो जो पाथ आपको आयलर कंडीशन देगा वो पाथ आपका एक कर्व की फॉर्म में होगा, और वो एक ऐसी कर्व होगी जिसको रोटेट करने से एरिया मिनिमाइज़ हो जाता है, जो एरिया एरिया ऑफ रोटेशन है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो ऑब्वियसली हमने जो इंटेग्रल आयलर कंडीशन में देखा था, उस इंटेग्रल को अगर आप देखें तो वो इंटेग्रल आपने लेना है, तो यहाँ वो इंटेग्रल होगा एरिया का, क्योंकि इंटेग्रल को मिनिमाइज़ करना होता है तो यहाँ हमने एरिया को मिनिमाइज़ करना है। तो एरिया इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल लेना है, तो जब भी किसी चीज़ को इंटेग्रल की फॉर्म में लेना होता है तो पहले उसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लेना ज़रूरी होता है, ताकि उसको इंटीग्रेट करके उसकी जो टोटल वैल्यू है वो फाइंड की जा सके इन द फॉर्म ऑफ एन इंटेग्रल। तो अब यहाँ आप देखिए कि मैंने इस कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एक पैच लिया जिसको मैंने ds कहा है। इस ds को रोटेट करने से जो स्ट्रिप मिल रही है, ये एक छोटी सी स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इसको मैंने da कहा, इस स्ट्रिप के एरिया को मैंने da कह दिया है। तो अब इस स्ट्रिप की जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है ds, तो विड्थ आपको पता है इनफाइनाइट डेसिमल डिस्टेंस ही है, ये एक छोटा सा डिस्टेंस ही है ना,
एक्स वाई प्लेन में, तो इस डिस्टेंस को मैं डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट कह सकता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये एक विड्थ की फॉर्म में आ गया, और इसकी जो लेंथ होगी, ये सारी लेंथ, ये आपको पता है 2πr होती है। तो 2πr यहाँ अगर हम रेडियस इसका x ले लें, लेट्स से कि ये जो रेडियस है यहाँ इस स्ट्रिप का वो x है, तो फिर इसका जो, इसकी जो लेंथ होगी स्ट्रिप की वो क्या होगी, 2πx। तो 2πx को, लेंथ को मैं अगर विड्थ ds से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो मैं ये स्ट्रिप का एरिया देखिए मैं किस तरह से लिखता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रिप का एरिया है, 2πx उसकी लेंथ हो गई और ds उसकी विड्थ हो गई। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया, जो पूरी सरफेस ऑफ रोटेशन जो है उस, वो उसका एरिया नहीं है बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसका एरिया हमने लिया है। तो यहाँ ds की वैल्यू जो लास्ट स्लाइड में हमने लिखी थी वो मैं पुट करता हूँ, dx square plus dy square होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारा पूरा का पूरा एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप तो एक स्मॉल एरिया है, उसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम x1 टू x2, क्योंकि पूरी कर्व आपने देखी थी डायग्राम में वो x1 से x2 तक थी। तो अगर मैं x1 से x2 तक उसको इंटीग्रेट कर दूं इस फंक्शन को जो ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरे पास होल एरिया ऑफ रोटेशन आ जाएगा उस कर्व का, उस जो हमने ली हुई है बिटवीन टू पॉइंट्स x1 एंड x2। तो ये आपका एरिया का इंटेग्रल आ गया। आपने देखा हमने एरिया को इंटेग्रल की फॉर्म में लिया है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये हम आयलर कंडीशन में यूज़ करना चाहते हैं, और आयलर कंडीशन में जो फंक्शन यूज़ होता है वो एक इंटेग्रल ऑफ टाइप इक्वेशन वन, जो हमने इक्वेशन वन में जो टाइप का इंटेग्रल देखा था उसमें जो फंक्शन था उस टाइप का होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ ये एरिया जो है इसमें 2πकॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारा फंक्शन है इनसाइड द इंटेग्रल। तो ये फंक्शन क्या होगा, एफ, इसको हम एफ कह देते हैं। तो इस एफ फंक्शन में यहाँ वाई डैश से इसको रिप्रेजेंट किया गया, वाई डैश भी डी वाई ओवर डी एक्स ही है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से डी एक्स हमने कॉमन ले लिया डी एक्स स्क्वेयर को बाहर, तो यहाँ डी एक्स की जगह वन रह गया और डी वाई स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर की जगह वाई डैश स्क्वेयर लिख दिया हमने। तो ये हमारा फंक्शन है, अब इसको आयलर कंडीशन में पुट करना है। आयलर कंडीशन ये लिखी हुई है आपके सामने, इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वाई के विद रिस्पेक्ट वो लेंगे वो ज़ीरो होगा क्योंकि इसमें वाई नहीं है, वाई डैश है लेकिन वाई नहीं है। तो फिर ये जो सेकंड इसका पार्ट है यानी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश वो फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, आप सिंपल डिफरेंशिएशन से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो हो गई तो फिर ये मुझे मिलेगा। तो चूँकि डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर ये सारा फंक्शन कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा, उस कॉन्स्टेंट को मैंने ए कह दिया। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके हम वाई डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वाई डैश से फिर वाई फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। तो अब इसको आप सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करें इस इंटीग्रल को, तो आपके पास ये सोल्यूशन आएगा कोश इनवर्स की फॉर्म में। तो आपने कोश की फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करनी है, कोश या शाइन की फॉर्म में, तो आपके पास ये इंटीग्रल जो है वो इवेल्यूएट होके आएगा। तो ये आपका वो पाथ है जिसके अलोंग आपका एरिया ऑफ रोटेशन मिनिमम होगा। आप इसको एक्स के लिए भी लिख सकते हैं, ये मैंने एक्स के लिए लिखा हुआ है, ए और बी यहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो आपके सामने है ये कर्व है एक्स वाई प्लेन में, ये वो कर्व है जिसको रोटेट करने से जो एरिया बनेगा वो मिनिमम होगा। यानी हमारे पास कई कर्व्स या कई पाथ्स हो सकते थे, हमने कहा शुरू में उनमें से वो पाथ जिसके अलोंग एरिया ऑफ रोटेशन ऑफ द कर्व जो है वो मिनिमम होगा वो हमने फाइंड कर लिया। तो दिस इज़ अवर सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट द मिनिमम एरिया ऑफ रोटेशन ऑफ अ कर्व इज़ अलोंग द पाथ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन और दिस इक्वेशन। आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, इसकी शेप भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने हमारा यहाँ पर्पस था कि हम इसको इस कर्व को ऑब्टेन करें कि ये कर्व क्या होगी, वो हमने कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू रखेंगे अपना यही टॉपिक कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। आप देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि इस मेथड को हम
किस तरह से एक ऐसे डायनेमिकल मेथड में कन्वर्ट करेंगे जिसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन रीऑब्टेन कर सकते हैं, यानी जो इक्वेशन लग्रांज इक्वेशन हमने फाइंड की थी बाय यूजिंग द स्टैटिक मेथड ऑफ डी एल लंबर्ट प्रिंसिपल, वही लग्रांज इक्वेशन हम इस मेथड से भी फाइंड कर सकेंगे। थैंक यू।